शेर की तरह दहाड़ती हुई उनकी आवाज 3.5 सप्तकों में फर्राटे से दौड़ती है। मुर्गियां, गमक, नींद और छूट की ताने उनकी गायकी की खासियत है। उनके सुरों का जादू कृष्ण की मुरली की तरह है, जिसे सुनने वाले सुध बुध बिसरा देते हैं। उन्हें जानने वाले उन्हें रसराज कहते हैं। हमारे दौर में बहुत कम संगीतकार ऐसे हैं जिनका संगीत आपको आध्यात्म से जोड़ सकता है। संगीत मार्तंड पंडित जसराज ऐसे ही गायक हैं। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनके घराने को मेवात घराना या मेवाती घराना कहते हैं। हालांकि पंडित जसराज का बचपन हैदराबाद में बीता। पिता पंडित मोतीराम शास्त्रीय गायक थे। जसराज जब 3 साल के थे तभी से पिता ने उनमें सुर संस्कार डालना शुरू कर दिया। ये बात 1934 की है। जसराज जी तब 4 साल के हो चुके थे। हैदराबाद में पिता पंडित मोतीराम का एक कॉन्सर्ट होना था और उसी कॉन्सर्ट में पंडित मोतीराम जी को हैदराबाद के निजाम नवाब उस्मान अली खां के दरबार में दरबारी गायक घोषित किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से कॉन्सर्ट से 5 घंटे पहले उनका देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद बालक जसराज की तालीम की जिम्मेदारी ली उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी ने। उन्होंने बचपन में जसराज जी को तबला सिखाया। मंझले भाई पंडित प्रताप नारायण भी शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने जसराज जी को तबला सिखाया और अपने साथ संगत पर ले जाना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में जसराज जी तबला लेकर स्टेज पर उतर चुके थे। धीरे धीरे तबले पर उनका हाथ काफी अच्छा हो गया। पंडित जसराज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार जाने माने गायक पंडित कुमार गंधर्व की लाहौर रेडियो स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन कुमार जी की गायकी को लेकर पंडित अमरनाथ और जसराज जी के बड़े भाई के बीच कुछ चर्चा चल रही थी। जसराज जी ने उस चर्चा में अपनी राय देने की कोशिश की तो बड़े भाई से तीखी झिड़की मिली। बोले, जसराज तुम मरा हुआ चमड़ा बजाते हो, तुम्हें रागदारी का क्या पता। इस बात से जसराज जी को काफी धक्का लगा, लेकिन वो बताते हैं कि अगले ही दिन से बड़े भाई ने उनकी गायकी की तालीम शुरू कर दी। जसराज जी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक गाना सीख नहीं लूंगा तब तक बाल नहीं कटवाऊंगा, और 7 साल तक उन्होंने बाल नहीं कटवाए। आखिरकार बाल तब कटवाए जब ऑल इंडिया रेडियो में उनकी पहली रिकॉर्डिंग हुई। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने राग कौसी कन्हड़ा गाया था। जसराज बचपन में गजल गायिका बेगम अख्तर की आवाज के बड़े मुरीद थे। वो खुद बताते हैं कि स्कूल जाते समय रास्ते में एक रेस्तरां पड़ता था, वहाँ बेगम की एक ही गजल चलती रहती थी, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। ये गजल सुनकर जसराज दीवाने हो गए और उन्होंने पक्का कर लिया कि गाना ही गाना है। ये 1960 का किस्सा है, जब पटियाला घराने के जाने माने गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब बीमार पड़े। पंडित जसराज उन्हें देखने गए तो अस्पताल में गुलाम अली खान साहब ने कहा कि मेरे शागिर्द बन जाओ। अब इतने बड़े कलाकार से ऐसा ऑफर मिलना, जसराज जी को खुशी और आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से बोले, चाचा जान मैं आपका शागिर्द नहीं बन सकता, ये शायद मेरी तकदीर में नहीं है, मैं अपने पिता के संगीत को ही जिंदा रखना चाहता हूँ। जसराज जी बताते हैं कि ये बात सुनकर खां साहब रो पड़े और बोले, बेटा तेरे पिता ही थे जो मुझे संगीत की दुनिया में लेकर आए थे। खां साहब वैसे तो दिग्गज गायकों के घराने से थे, लेकिन शुरुआत में वो पहलवान थे। 1962 में जसराज जी की शादी हुई जाने माने फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा से। मधुरा से उनकी मुलाकात 1955 में हुई थी, जब वी शांताराम झनक झनक पायल बाजे की शूटिंग कर रहे थे। पंडित जसराज को साल 2000 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया। पंडित जी ऐसे ही गाते रहे और लोगों की जिंदगी में संगीत का रस घोलते रहे, यही दुआ है। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।